लड़कियां सीख लो तुम, शादी के बाद क्या करो तुम लोगों ने, हैं? जो मेरी लाड़ी होगी वो खास कर, हैं? मैं ही तू, शादी के बाद भी शर्म नहीं आएगी, क्या फायदा लाड़ी का। नमस्कार 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 दोस्तों, एक बार फिर एनबीएन नवीन ठाकुर मतलब देसी कलाकार की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार बनाई थी मैं एक वीडियो गाय दूने की, बहुत ही सुपर डुपर हिट हो गई, 2 मिलियन से ज्यादा व्यू आए। तो मैं आज आपको गाय दूना सिखाऊंगा। कुछ लड़कियों ने, कुछ लेडीज ने, कुछ आंटियों ने कहा कि हमें गाय दूना तो आती नहीं, आप जैसे आज दिखाऊंगा मैं। कई तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आज तक गाय दूई नहीं, पर गाय भी इतने भाषण दिए। पता कैसे, ये जोर लगा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, गाय को दर्द होगी, ये होगा। अरे भाई, पूरी जिंदगी हो गई काम करते करते, जिंदगी का 15 साल होगी काम करते करते, पता है हमें कितना जोर लगाना। आज दिखाता हूँ मैं सबकी बहन तोड़ दूंगा। थोड़ा सा देखिए, अब पहले आप सबसे पहले आई गर्म पानी लीजिए, ठंडा है ना, गर्म पानी लीजिए। तो थोड़ा सा इनके थन को धोइए, तो आप जिस तरह मुलायम मुलायम हाथों से इनके थन को धोइए, बिल्कुल आराम से थन को धोइए। देखिए जब तक धो करिए, 2 मिनट लगाइए धोने के लिए, जितना आप धोएंगे उतना दूध छोड़ेगी गाय। और धोते 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 बोलते बिल्कुल साफ कीजिए, ताकि गोबर आपके बाल्टू में या बाल्टी में न जाए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं गाय, जरा आज बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा ठंड लग रही है, पानी गर्म है। तो देखिए अब गाय ने पूरा दूध छोड़ दिया है, तो अब दिखाऊंगा मैं। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही भाषण देते हैं, भाई साहब आप जोर लगाते हो। मैंने गाय पिछली बार दूई थी तो 4G की स्पीड बोला था, 4G की स्पीड, तो मैंने अच्छी तरह दूई थी। आज जरा थोड़ी ठंड में है तो मैंने इस तरह दूई थी। तो गाय का आप जैसे थन होता है ये इस तरह पकड़िए, जिनको दूना नहीं आता इस तरह पकड़िए, और इसको खींचने की जरूरत नहीं होती, इसको सिर्फ इतना खींचना और दबाव देना होता है, इस तरह खींचना, दबाव देना। क्योंकि इसको ऐसे नीचे को खींचना, अगर आप नीचे को खींचोगे तो दर्द होगा इसको, अगर आप ऐसे करोगे बस दबाव देना है दूध छूटेगा, दबाव देना है दूध छूटेगा। फिर मैंने पिछली बार दुई थी तो मैंने सिर्फ दबाव दिया था, लोगों ने बहुत भाषण दिया, तो मैंने इस तरह दुई थी जैसे सब कहते 4G की स्पीड, मैंने सिर्फ इतना दबाव दिया था बस इस तरह। और लड़कियों को मैंने कुछ खास कहा था कि भाई देखिए ऐसे दूध देगा, अब तो बता दिया, अब जिसने भाषण देना वो दे सकता है। और कई आंटियां तो ऐसी है, कई लड़कियां तो ऐसी है, कई भाई साहब भी ऐसे है जिन्होंने जिंदगी में कभी गाय का बोले थन नहीं पकड़ा है, वो तक कहने लगा भाई दर्द होता है, जानवरों के साथ ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है भाई। यहाँ देखे, हमें पता है 15 साल होगी गाय दूते, तो भाई इतना तो नॉलेज है कि क्या कितना होता है कितना नहीं होता है। जब हम इतना दबाव नीचे को खींचेंगे तब दर्द होगा, जब हम इतनी मुलायम से करेंगे बस दबाना है बस, बाकी आपके हाथ की फुर्ती है, बाकी कुछ नहीं। और दर्द की बात तो भाई लड़कियां सीख लो तुम, शादी के बाद क्या करो तुम लोगों ने, हैं? जो मेरी लाड़ी होगी वो खास कर, हैं? मैं ही तू, शादी के बाद भी शर्म नहीं आएगी, क्या फायदा लाड़ी का। अब देखो लास्ट बार बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ लास्ट बार, लड़कियों सीखो कुछ। अब तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को गाय दूना ऐसे दूध देगा है, बाकी रही राम राम। अब ये भी 4G की स्पीड है, मत बोलना कि 4G की स्पीड, दर्द हो रही, जिसको दर्द का एहसास हो रहा है यहाँ एक बार तब बोलना मेरे को, बाकी तो होती रहेगी बातें, ठीक है बाकी नहीं कुछ होता ना, ऐसे दूते हैं दर्द दूर होती रहती है, ये 4G की स्पीड मेरी ऐसी चलती है, टेंशन नहीं लेनी। बाकी लड़कियों जीवन गाड़ियां नहीं देनी, मैं बोलू पहले जब कौम ने लक्षण नहीं होता अपने, हंडे नहीं बकवास करनी होंगी, हंडे बोलती गिरी बोल सी की अश वह दूनी नहीं आंदी, सीखने बस कौम है 4G स्पीड, बोलती 4G स्पीड साथ के अंदर है। चलो ठीक है, जैसा भी है जो भी है, थैंक यू सो मच, बाकी यही बताना था मुझे आपको, थैंक यू सो मच।